और चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबाला आरपीएफ ने अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से एक युवक ने काबू किया जिससे सेना के कर्नल की वर्दी पहनी हुई थी और वह स्टेशन पर घूम रहा था। आरपीएफ ने उस युवक को रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया जिस पर रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। रेलवे पुलिस अधिकारी की अगर माने तो पुलिस ने पकड़े गए युवक के पते पर मैसेज भेजकर उसके माता पिता को बुलवाया और उनके बयान दर्ज किए। फिलहाल पुलिस के साथ साथ सेना के अधिकारी भी उस युवक से पूछताछ कर रहे हैं। शुरुआती जाँच में युवक सेना से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सका है। फिलहाल उसके माता पिता ने बताया है कि ये मानसिक रोगी है लेकिन वो इस संबंध में भी कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए। उनतीस तारीख को आरपीएफ ने हमें टेलीफोन करके इत्तला दी कि उन्होंने एक नौजवान लड़का 20-22 साल का कर्नल की वर्दी पहने हुए को राउंड अप किया है, जो इस पर संज्ञान लेते हुए हमने हेड कांस्टेबल जगदेव सिंह को आरपीएफ पोस्ट पर भेजा, जो उस लड़के को हम लेकर के आए और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। कहाँ से लाया था? शुरुआती पूछताछ में क्या कुछ बताया? शुरुआती तो उस पूछताछ में उस लड़के ने बताया कि भाई ये वर्दी मैंने अम्बाड़ा कैंट में ही खरीदी थी दुकान से किसी से, लेकिन पहले वो गुमराह करता रहा, एड्रेस भी नहीं बता रहा था। फिर बाद में उसने अपना पता तुषार जय शर्मा लोनी का रहने वाला बताया। कहाँ पे है लोनी? लोनी गाजी डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद, दिल्ली से सटा हुआ इलाका है। तो स्टेशन पे क्या कर रहा था ये? क्या किसी ये स्टेशन पे वर्दी डाल के घूम रहा था, जो प्राथमिक पूछताछ में पता चला। कोई मोबाइल वगैरह कुछ? एक मोबाइल भी मिला इसके पास, लेकिन उसमें सिम कार्ड नहीं है, जिसको बाद में सर्च करवाया जाएगा साइबर सेल में भेज करके, उससे कुछ भी तथ्य जो सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी। तुषार मेरा लड़का है और ये जो है ना दिमागी रूप से पागल हो रहा है, इसका ये हमें घर बता के आया था। मैं अभी आ रहा हूँ सोमवार को, और सोमवार से लापता है, फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन भी नहीं मिलता। अभी तक मेरे पास कुछ नहीं है सड़क में, नहीं ऐसी कोई हरकत नहीं करता।